हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक टावर जिसकी हाइट है h। आपको कहा गया है कि इस टावर के टॉप से अगर हम एक बॉल को ड्रॉप करते हैं तो वो बॉल ग्राउंड पे पहुंचता है टाइम t में। आपसे पूछा गया है कि टाइम t इज इक्वल टू t बाय 3 पर ये बॉल कहाँ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले डायरेक्शन असाइन कर लेते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव मान लिया, अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया। बॉल की इनिशियल पोजीशन यहाँ है, फाइनल पोजीशन ग्राउंड पे आ जाती है। तो फॉर टाइम टी मतलब कंप्लीट फॉल के लिए अगर हम मोशन को कंसीडर करें तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन है जी, आपका डिस्प्लेसमेंट है एच और टाइम है टी। इसको यूज करते हुए अगर हम इक्वेशन अप्लाई करें s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो आपका इक्वेशन बन जाएगा h इज इक्वल टू यू जीरो है तो हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1। आपसे पूछा गया है कि टाइम t इज इक्वल टू t बाय 3 में बॉल कहां पहुंचेगी। तो फॉर टाइम t बाय 3, ये जो t बाय 3 टाइम इंटरवल है इसके लिए फिर से मैं अपनी कंडीशंस लिखता हूं। इनिशियल वेलोसिटी 0 ही है क्योंकि बॉल को आपने ड्रॉप किया है। एक्सेलरेशन आपका प्लस जी है क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है। डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा गया है, टाइम आपको दे रखा है टी बाय 3। यहां फिर से हम सेम इक्वेशन अप्लाई करेंगे, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो हमें मिलेगा दिस इंप्लाइज एस इज इक्वल टू हाफ जी टी बाय 3 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 2। अगर मैं इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दूं इक्वेशन 1 से तो मुझे मिलेगा एस बाय एच इज इक्वल टू हाफ जी से हाफ जी चला गया टी बाय 3 का स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर दैट इज 1/9 विच इंप्लाइज एस इज इक्वल टू एच बाय 9। कई स्टूडेंट्स यहां तक बिल्कुल करेक्ट करते हैं, उसके बाद आंसर मार्क कर देते हैं एच बाय 9 जो कि गलत है क्योंकि एच बाय 9 इसका डिस्प्लेसमेंट है। ये यहां से एच बाय 9 हाइट नीचे आया है। ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी होगी 8h/9। Therefore, particle is at height 8h/9। ये आपका final answer होगा। Thank you.